Dear student, good morning, all of you. आज हम एक नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य को समझने से पहले हमें कुछ मुख्य बातें यहां समझनी है। मुख्य बातों में हम आपको ये समझाना जाएंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, और उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन दोनों के बारे में, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अभिक्रियाएं कौन सी होती है, इस बारे में हम आपको पहले समझा देते हैं। उसके बाद हम चैप्टर का अगला टॉपिक जो रासायनिक साम्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे इरिवर्सिबल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल फॉरवर्ड दिशा में चलती, जो कि एक ही दिशा में चलती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए रिएक्टेड कन्वर्ट इन बी प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, केवल एक ही दिशा में संपन्न होती। इसको एक फुल तीर, एक तीर द्वारा, पूरे तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे कि हमने ये लगा रखा। सुन लीजिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन एक दिशा में चलती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलती है, पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। क्लियर? उसको हम एक तीर से दर्शाते हैं। अब बात आती है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, अनुक्रम रिएक्शन में आप देखेंगे ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में जारी रहती है। ये अग्र अभिक्रिया की तरफ भी जारी रहती है और पश्च अभिक्रिया की तरफ जारी रहती है। अर्थात इस तरह से देखिए आप, ये ए अभिक्रिया मान लीजिए ये इस दिशा में जारी रहती है, लेफ्ट टू राइट एक समीकरण के द्वारा दर्शाएं तो ये अभिक्रियाएं लेफ्ट टू राइट भी जारी रहती है और राइट टू लेफ्ट भी जारी रहती है। ये दो हाफ हेडेड तीर, आधा हेड है आधा हेड है, दो विपरीत हाफ हेडेड तीरों द्वारा दर्शाया जाता है जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अग्र दिशा में, अग्र दिशा का मतलब लेफ्ट टू राइट एक समीकरण में इस प्रकार दर्शाएंगे, और पश्च दिशा में राइट टू लेफ्ट। तो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय रिवर्सिबल अभिक्रियाएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एन टू प्लस 3H2, 2NH3, H2 plus I2, 2HI, अनेक एग्जाम, PCl3 plus Cl। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन रिएक्शन है जो दोनों ही दिशाओं में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया में जारी रहती है। इन अभिक्रियाओं में अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग जब बराबर हो जाता है तो एक साम्य की स्थिति आ जाती है।
रेट अग्रम क्रिया का वेग और पश्चम क्रिया का वेग जब बराबर हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। तब ऐसा लग रहा है, लगता है कि अभिक्रिया रुक गई है। ये अभिक्रिया रुकती नहीं है, हमेशा जारी रहती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ये टाइम है, ये रेट है। तो बच्चों रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ घटती है और प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। तो ये हो गया इसका अग्रम क्रिया का वेग, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस अग्रम क्रिया का वेग और पश्चिम क्रिया वेग जब बराबर हो जाती है, जब ये साम्य की स्थिति में, क्या कहलाता है, यहां साम्य स्थापित हो जाता है। क्लियर? देखो ये अभिक्रिया जो उत्क्रमण अभिक्रिया की बातें कर रहे हैं, ये पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती, ये हमेशा जारी रहती है, साम्य की ओर अग्रसर रहती है, इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ अग्रसर है। फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे और बैकवर्ड रिएक्शन कर रहे, साम्य की ओर अग्रसर होता है। जब दोनों का वेग बराबर हो जाता है तो हम उस स्थिति को क्या कहेंगे, साम्य की स्थिति कहेंगे, और उस साम्य को रासायनिक साम्य। इस रासायनिक साम्य पर दोनों अभिक्रियाओं का वेग, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का वेग बराबर हो जाता है। साम्य, सपोज ए बी, दोनों का वेग बराबर हो जाता है और जो उत्पाद, जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, दोनों की सांद्रता अपरिवर्तित है, अर्थात दोनों की सांद्रता स्थिर होती है। साम्य स्थिति में ध्यान दीजिए, किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर दोनों अभिक्रियाओं अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग इक्वल हो जाता है और समय के साथ उस स्थिति में उत्पाद और क्रियाकार की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, अर्थात स्थिर रहती है। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, साम्य अवस्था, और इस साम्य को रासायनिक साम्य कहते हैं। उन्हें सुन लीजिए, अभिक्रिया बंद नहीं होती, अभिक्रिया जारी रहती, जितना अग्र अभिक्रिया का वेग होगा उतना ही पश्च अभिक्रिया का वेग साम्य स्थिति में होता है। क्रियाकार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता भी परिवर्तित नहीं होती है उस साम्य स्थिति में, चूंकि अभिक्रिया जारी रहती है, इसलिए जो रासायनिक साम्य है वो गतिक साम्य कहलाता है। क्या कहलाता है? गतिक साम्य कहलाता है। रासायनिक साम्य को क्या कहेंगे हम? गतिक साम्य, डायनामिक इक्विलिब्रियम।
क्योंकि दोनों अभिक्रिया जारी रहती, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, तब इस साम्य को क्या कहेंगे? डायनेमिक गतिक साम्य। गतिक साम्य की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करें तो यदि पात्र खुला है, बर्तन खुला हुआ है, तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए गतिक साम्य स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि जब पात्र खुला होगा तो इसके प्रोडक्ट निकल जाएंगे। हाँ, यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट द्रव अवस्था में है तो खुले पात्र में भी गतिक साम्य स्थापित हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हम बता चुके गतिक साम्य की स्थिति में क्रियाकार और उत्पाद की सांद्रता स्थिर रहती है, अर्थात परिवर्तित नहीं। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, गतिक साम्य कैटलिस्ट से प्रभावित नहीं होता है। पुनः सुनिए जी, गतिक साम्य कैटलिस्ट से प्रभावित नहीं होता है, इफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि कैटलिस्ट जितना अग्र अभिक्रिया को प्रभावित करेगा उतना ही पश्च अभिक्रिया को प्रभावित करेगा। जितना प्रभाव अभिक्रिया पर डालेगा फॉरवर्ड रिएक्शन पर, उतना ही प्रभाव बैकवर्ड रिएक्शन पर डालेगा, इसलिए गतिक साम्य कैटलिस्ट से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन हां, कैटलिस्ट से गतिक साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, पुनः स्थापित की बजाय यहां जल्दी स्थापित हो जाता है। जब कैटलिस्ट की संक्रिया में मिला देते हैं तो जो साम्य है वो जल्दी स्थापित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक साम्य, जब हम कैटलिस्ट मिला देते हैं तो इसका साम्य ये कब है? ये यदि कैटलिस्ट ये विदाउट कैटलिस्ट क्लियर, वही टाइम वेट। तो ये जल्दी स्थापित होकर जो रेड लाइन्स दिखाया गया है, जब हम कैटलिस्ट मिलाते हैं तो सामने हमें जल्दी प्राप्त हो गए, तब इस समय प्राप्त हुआ था, अब इस समय प्राप्त। एक अभिक्रिया पर ध्यान दीजिए, उतार लीजिए आप इस डायग्राम को, बिल्कुल साफ समझा रखा है रासायनिक साम्य क्या है, रासायनिक साम्य गतिक साम्य है, किनमें? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में, क्योंकि उत्क्रमण अभिक्रियाओं में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा जारी रहती, कभी बंद नहीं होती, इसलिए इसको गतिक साम्य कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, एक अभिक्रिया ए से बी, ये मान लीजिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और के बी रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? रेट कॉन्स्टेंट वेग स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बी, के बी पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, देन के अपॉन के अपॉन के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी, यहां के
साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए साम्य स्थिति स्थापित तो हो जाती है साम्य अवस्था में जब दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है then can we can write the rate of the sorry rate constant of the forward reaction rate constant of backward reaction इन दोनों का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है लिए तो आज हम आपको इस वीडियो माध्यम से यह बताया हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन अभिक्रिया क्या होती है और व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम और द रिवर्सिबल रिएक्शंस साम्य स्थिरांक ये डायग्राम समझ लीजिए आप दोनों तो ये हमारा इस चैप्टर की स्टार्टिंग थी इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं प्रोफेसर रामनंद यादव गवर्नमेंट आर आर कॉलेज अलवर राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आप मेरा प्रत्येक यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देखिए मेरा चैनल है स्टडीशिप विद रामनंद यादव उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैप्टर के प्रत्येक वीडियो को आप देखेंगे आज इस चैप्टर की शुरुआत है रासायनिक साम्य क्या है रासायनिक साम्य गतिक साम्य है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बता चुके रुकती नहीं है हमेशा जारी रहती है मनुष्य लगता है ऐसा है ये अभिक्रिया रुक गई रुकती नहीं एक इस स्थिति पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाता है और क्रियाकारक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है चेंज नहीं होती है वही स्थिति और वही अवस्था रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है इसे रासायनिक साम्य कहते हैं साम्य अवस्था कहते हैं ये आज हमने आपको पढ़ा दिया स्टडीशिप विद रामानंद यादव को आप कमेंट कीजिए मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन जो अलवर से प्रकाशित होती है बुक उसको पढ़िए आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा केमिस्ट्री बहुत ईजी है ये चैप्टर उससे भी ज्यादा ईजी थैंक यू वेरी मच बेस्ट ऑफ लक